बिहार की विधि व्यवस्था सवालों के घेरे में है। सुदूर जिलों की बात तो छोड़िए, राजधानी पटना की विधि व्यवस्था भी राम भरोसे ही दिखती है। नए साल को लेकर पटना पुलिस 3,000 अतिरिक्त पुलिस कर्मियों की तैनाती का दावा कर रही थी, लेकिन दावा हवा में उड़ता नजर आ रहा है। अपराधियों ने दुस्साहस का परिचय देते हुए कोतवाली थाना के पटना जंक्शन के पास यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया की शाखा में लाखों रुपए लूट लिए। बैंक में करीब 9 लाख रुपए लूट की बात बताई है। घटना के बारे में मिली जानकारी के अनुसार एक अपराधी बैंक में घुसा और बगैर हथियार के ही रकम लूट चलते बना। जिस समय वारदात को अंजाम दिया गया उस समय बैंक के अंदर बिजली भी कटी थी। घटना के बाद बैंक कर्मियों की ओर से पुलिस को सूचना दी गई। प्रारंभिक छानबीन से पता चला है कि बैंक में गार्ड की तैनाती नहीं थी। मिली जानकारी के अनुसार बैंक कर्मियों ने पुलिस अधिकारियों को जानकारी दी है कि बैंक के अंदर घुसे अपराधी ने चिल्लाकर कहा कि बैंक के बाहर मेरे साथी खड़े हैं और ऐसे में अगर किसी ने शोर किया तो उसे गोली मार दी जाएगी। कोई होशियारी नहीं करेगा तो मार देंगे। मेरा 3-4 आदमी नीचे खड़ा है, कोई नहीं हिलेगा। तो हम लोग सब बैठे वहाँ पर, मैंने कहा कोई भी हल्ला नहीं, हल्ला गुल्ला हुआ लेकिन कुछ नहीं हुआ, सब हुआ। अब फिर उधर से जाकर घुस के जाकर पैसा मतलब काउंटर से पैसा निकाल लिया और निकाल के चले। कितना लोग थे? सिंगल अंदर एक ही घुसा था लेकिन बोला था मेरा बाहर में सब खड़ा है आदमी। कितने मतलब हथियार लपेटे हुए, हथियार रुमाल में गमछी से लपेटे हुआ था। अच्छा, आप बताइए, एक मिनट बताइए कि जो सुबह घटनाक्रम हुआ वो क्या था, वो कैसे घुसा? गार्ड था? नहीं, गार्ड वो कोई नहीं था, पता नहीं। अच्छा ठीक है, तो आप मैंने घुसने के बाद उसने सबसे पहले क्या किया? घुसने के बाद सब कस्टमर सबको मतलब हमको ठेला, एक आदमी और ठेला, इसको भी ठेला, सबको अंदर ठेला। कोई हमसे आगे नहीं करेगा, मार देगा गोली। मेरा अंदर बाहर बाहर में आदमी है मेरा जो कोई नहीं हिलेगा। तो हम लोग बैठ अंदर घुस गया, फिर अंदर से सब काउंटर पर देखा है, समझ रहे थे कोई नहीं हिलेगा, कोई नहीं हिलेगा, होशियारी नहीं करेगा, सब गोली मार देंगे। क्या उसके हाथ में हथियार था? लेकिन लपेटा हुआ था गमछी। अच्छा, गमछी लपेटा हुआ था, अंदर में गया, पैसा वैसा लूट के। कितने बजे की घटना है? क्या बज रहा था? 3:30 बजे। अच्छा, जब ये घटना हो रहा था तो काउंटर पे कौन था? महिला कर्मचारी थी या पुरुष कर्मचारी? महिला कर्मचारी दोनों थी, एक महिला थी एक जेंट्स, अलग अलग काउंटर पर दोनों।